बाल श्रम, बाल विवाह और बाल भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए बरेली में कलेक्ट्रेट सभागार में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से बच्चों के लिए तमाम योजनाओं को शुरू किया गया है जिन्हें धरातल तक पहुँचाया जाना चाहिए। इसके साथ ही एक युद्ध नशा के विरुद्ध अभियान भी जारी है जिस पर अधिकारी काम करे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों को नशा करने से रोका जाए, साथ ही उन्होंने जिलावार ऐसे बच्चों की सूची मांगी है जो बच्चे सड़कों पर भिक्षावृत्ति करते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशील हैं। कोविड काल में जिन बच्चों ने अपने परिजनों को खोया है उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत शिक्षा के लिए 4,000 और भरण पोषण के लिए 2,500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा बच्चों की जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं को धरातल तक पहुँचाया जाए और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है हमने कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए, बाल विवाह पर भी हमने रिपोर्ट दी है, बाल भिक्षावृत्ति पर भी हमने रिपोर्ट दी है और एक युद्ध नशे के विरोध वाली जो हमारा अभियान है उसमें लगने का आह्वान हमने किया है। इसके अलावा जो बाल श्रम है उसको रोकने के लिए जो लापता बच्चे हैं उनके लिए क्या आपकी तरफ से दिशा निर्देश जारी किए हैं? हमने कहा है कि उसकी सूची हमारे पास भेजी जाए कि कहाँ पर कितने यहाँ पर टोटल हैं, वो पूरी आख्या यहाँ से जाएगी और उस पर जब हम पूरे प्रदेश में सारे जिलों की मिलाकर जब भेजकर और वार्ता करेंगे और उसका रिजल्ट निकलेगा। सर आप बॉर्न बेबी कोल्ड भी गए थे, वहाँ का आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ मिला आपको वहाँ पर, क्या कुछ देखा? बॉर्न वहाँ पर जब मैं गया था तो वहाँ 4 बच्चे थे दत्तक ग्रहण वाले और 5-6 बच्चे वैसे थे जो कक्षा 6 से लेकर इंटर तक पढ़ने वाले हैं। तो मुझे कुछ मैंने कहा कि बाकी के उनके बच्चे वगैरह भी मैंने देखे बच्चे क्या पढ़ते हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की, जो शिकायतें मेरे पास थी उसके अनुसार तो मैंने जो वहाँ निरीक्षण में पाया और मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को और अपने जिला प्रोफेशन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कक्षा 6 से लेकर जो बेटियां वहाँ रह रही हैं उनको कस्तूरबा हमारे जब 19 चल रहे हैं तो 4 बच्चे वहाँ रहकर पढ़कर क्या करेंगे, उनको वहाँ हॉस्टल में भर्ती करा दिया जाए। सर जो अभी पिछले 2 सालों में कोविड का हालात रहे उसमें बहुत सारे बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया जी, तो उनके लिए सरकार ने किस तरह की प्लानिंग की और क्या आप कहना चाहेंगे? हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बच्चों और महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं और उनकी संवेदनशीलता इस बात से सिद्ध करती है कि उन्होंने जब बच्चे कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी थी और बच्चे जब उनके माँ बाप का साया उनसे उठ गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चों को सरकार 4,000 रुपया उनके पढ़ने के लिए खर्च कर रही है।